गाइस मैं अभी जांच पे हूँ, एक बीपी वेसल है। तो अभी ये जांच बीपी ऑपरेशन चल रहा है जांच पे। बल्कि मेरे पीछे ऑयल रिग है, ये देखिए। तो डीपी वेसल काम कैसे करता है मैं दिखाऊंगा आपको अभी। सो देखिए, ये डीपी वेसल का एक डीपी क्लास 2 वेसल है। बहुत सारा डिफरेंट टाइप का डीपी वेसल होता है। पीएसबी मतलब प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल, एएचटीएस मतलब एंकर हैंडलिंग टोइंग सप्लाई, ये सब है। तो ए वेसल है एएचटीएस डीपी 2, मतलब एंकर हैंडलिंग भी करता है प्लस सप्लाई भी करता है। देखिए यहाँ पे पीछे देखिए जो कार्गो है, ये इसी प्लेटफॉर्म के लिए है। यहाँ पे रिग और प्लेटफॉर्म दोनों है साथ में। तो ये सब जो कार्गो है ये यहाँ पे सप्लाई करना है। बट अभी हमारा जो काम चल रहा है कि यहाँ पे इनका कुछ काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे मतलब ओवरबोर्ड कुछ इनका काम चल रहा है। तो हम लोग अभी एमओबी वॉच पे, एमओबी मतलब मैन ओवरबोर्ड वॉच। अगर इनका कोई अगर गिर जाता है पानी में तो हम लोग तुरंत अपना रेस्क्यू बोट लेके उनको फिर रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। तो अभी जहाज अभी डीपी में है, फुल डीपी मतलब हम लोग सेम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं डीपी डायनामिक पोजीशनिंग। तो यहाँ पे अभी मतलब हम लोग मैनुअली कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारा डीपी पैनल है, ये हमारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी मतलब बैकअप, और एक डिस्प्ले है जॉयस्टिक डिस्प्ले। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हीटिंग भी ऑटो पे है, पोजीशन भी ऑटो पे, ठीक है। और देखिए 2 गोल 0 मीटर, मतलब हम लोग अभी पोजीशन पूरा होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यही इसका डीपी सिस्टम है। तो ऐसे ही डीपी वेसल काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डीपी वेसल होता है, पीएसबी, एचटीएस, डीएसबी, और भी आपका ड्रिल शिप होता है, वो भी डीपी वेसल, उसमें डीपी 3 रहता है। तो लाइफ तो ठीक ठाक ही है, कूल है यहाँ पे। और भी अपना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन रेफरेंस सिस्टम है। जैसे देखिए पोजीशन रेफरेंस सिस्टम है डीजीपीएस, देखिए DGPS 1 2 लेजर्स रडार स्कैन, ठीक है। ये अपना रडार स्कैन का डिस्प्ले है, ये अपना सी स्कैन मतलब लेज़र का डिस्प्ले है। तो ये पूरा ब्रिज है, ये फॉरवर्ड है और ये आफ्ट पैनल है। अभी सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, यहाँ पे मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बस हम लोग जहाज पोजीशन होल्ड करके हम लोग यहाँ पे स्टैंड बाई है और हम लोग वॉच कर रहे हैं। अगर उनका कोई अगर गिर जाता है पानी में तो उनको फिर रेस्क्यू करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी इस टाइम पे ये है, बट अभी इसके बाद फिर हम लोग ये सप्लाई करेंगे, फिर अभी हम लोग फिर डॉक पे जाएंगे, फिर और कुछ लोड करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे बहुत सारा रिग, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाना पड़ता है। एक्चुअली 70-80 माइल्स के अंदर पोर्ट से 70-80 माइल्स के अंदर ये सब रिग्स सिचुएटेड हैं। तो यही काम है डीपी वेसल का। मैं कभी और किसी वीडियो में बताऊँगा डिटेल में कि डीपी वेसल कैसे ज्वाइन करना पड़ता है, ज्वाइन करना अच्छा है कि नहीं, या फिर क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। देख सकते हैं पूरा